देखो कितनी सारी घी निकली है, तभी तो मैं कहती हूँ कि आपको बाजार से घी नहीं लाना पड़ेगी, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, उसके बाद घी घर में ही निकल जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। अब आपको बाजार से घी नहीं लाना पड़ेगा, घर में ही घी मिल जाएगी। कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा मलाई है, 1 किलो दूध लेती हूँ, ये 15 दिन की मलाई है और एक कढ़ाई में इसको डालूंगी। और एक गिलास से मैं इसको मिलाऊंगी, इसी में एक घी बन जाएगी। आप किसी को नहीं देखे हो कि गिलास से मक्खन निकलती है, ये देखो, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, एक गिलास से ही मक्खन निकाल के घी निकाल के दिखाऊंगी। किसी के घर में 1 किलो दूध आता है, किसी के घर में 2 किलो आती है, किसी के घर में आधी किलो भी आती है, जो भी आती है उसमें सिर्फ मलाई निकाल के रखे जाओ, इकट्ठा 8 दिन 10 दिन कर लो, उसके बाद इस तरीके से निकाल के घी बना लो। और इसमें मैंने जामुन डाली हूँ ना कुछ डाली हूँ, जो इसकी पानी निकलेगी दूध उसमें कुछ भी मीठा बनाओ, और नहीं तो उसमें दही डाल दो तो दही जम जाएगी। देखो किस प्रकार से ये मक्खन निकल रही है। देखो अभी तक मैं इसमें एक बूंद पानी नहीं डाली हूँ, अभी इसको इसी प्रकार में करते रहूंगी। जब मक्खन निकल जाएगी फिर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये मैं ली हूँ लकड़ी का, उससे मैं ये चारों तरफ से काट लेती हूँ। इसमें बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें मैं ठंडा पानी डालूंगी। ये देखो ये फ्रिज की पानी है, जिसमें मलाई था उसमें मैं पानी डालनी हूं, अब इसको इसमें डाल दूंगी। अब इसको फिर अच्छे से मिलाऊंगी। ये देखो कितना सुंदर से ये मक्खन निकली है, और कितनी जल्दी निकली है, अब बिल्कुल हाथ नहीं लगाई हूं, हाथ में मेरा चिपकी भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी निकाला करो, तो बाजार से लाने नहीं पड़ेगी। बस थोड़ी देर और मैं करूंगी। ये सारा इकट्ठा हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी से मक्खन निकल गई है। अब मैं इसको निकालती हूँ, लेकिन अभी भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, इसको उल्टा करके यहां रख देती हूँ। एक कटोरे में मैं मक्खन निकालूंगी। हाथ लगाने से ये होती है ना, बिल्कुल चिपक जाती है। अब ये दूध को मैं एक पतीले में डाल लेती हूँ।
अब इसमें मैं खीर बना लूंगी या सेवई बना लूंगी, कुछ भी बना लूंगी। अब ये जो मक्खन है इसी में डाल दूंगी। अब इसी कढ़ाई में घी निकाल देती हूँ। अब मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ और लाइटर मार देती हूँ। देखो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ। अब इसको मैं चलाते रहूंगी। अभी गैस मैं फूल पर रखी हूँ। जब इसमें उबाल आएगी फिर मैं मीडियम कर दूंगी। बहुत जल्दी बन जाती है घी। देखो घी में उबाल आ गई है पर अभी तैयार नहीं है। इसी प्रकार मैं अभी चलाते रहूंगी। देखो ये घी एकदम बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको मैं बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद भी थोड़ी देर में चलाते रहूंगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। इसी प्रकार मैं थोड़ी देर चलाऊंगी। देखो अब मैं इसको नहीं चलाऊंगी, ठंडा होगी फिर मैं इसको छानूंगी। देखो अब मैं दूसरे बर्तन में छान लेती हूँ। ये मैं एक कटोरा ली हूँ, उसी पर ये छन्नी रख देती हूँ। इसी से मैं एक कलछुल से निकाल निकाल के डालूंगी। देखो मैं सारे कटोरे में निकाल ली हूँ। इसी तरीके से दबा दबा के सारा घी को मैं निकाल लूंगी। सारा घी कटोरे में आ जाएगी और खखोरी जो रहेगी उसको अलग से कुछ बनाऊंगी। देखो कितनी सारी घी निकली है। तभी तो मैं कहती हूँ कि आपको बाजार से घी नहीं लाना पड़ेगी, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, उसके बाद घी घर में ही निकल जाएगी। देखो इतना सारा घी निकली है और ये दूध है। ये दूध से मैं चाय भी बना के पी ली। उसके बाद जो ये दूध बची है मैं इसमें खीर बनाऊंगी या सेवई बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं जामुन नहीं डालती हूँ तो दूध खट्टी नहीं होती है। तो घी बनाने में कितनी टाइम लगी, बहुत जल्दी बन गई। अगर आप निकालते हो घी तो एक बार इसी तरीके से घी निकालो, बहुत सारा घी निकलेगी। ये लिए अगर आप भी ऐसे घी निकालते हो मलाई से मक्खन, मक्खन से घी, तो इस तरीके से निकाला करो, बहुत जल्दी निकल जाती है और हाथ तो बिल्कुल नहीं लगाने पड़ती है। अगर आपको घी निकालने की तरीका अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।